Hello everyone, myself Dr. Randeep Franklin James, and today I am going to discuss about method of plane table surveying. In a previous lecture, I have already told you about what is plane table surveying, what are the types of instruments used in plane table surveying, and how we set up a plane table before we start a practical. So today we will be discussing about its method. So basically there are four types of plane table surveying methods. First is radiation method, second is intersection method, third is traversing method, and fourth is resection method. This resection method is further divided into two, and in some books or in some on the net you can see it is divided into two or three or four, but here we will be discussing about only two point problems and 3 point problems. So starting with the first, radiation. So what is radiation? तो अब इसको आप एक डायग्राम के हिसाब से समझ लीजिए, या पहले हम आपको बताते हैं रेडिएशन क्या होती है. आप रेडिएशन आप समझ सकते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में रेज जा रहे हैं, तो उसको हम रेडिएशन बोल सकते हैं. तो अब आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक प्लेन टेबल है और उसके सराउंडिंग में बीच में प्लेन टेबल दिख रही है आपको, और उसके सराउंडिंग्स में आपको चारों तरफ रेंजिंग रॉड्स दिख रही हैं. तो अब इसको अपन ऐसे समझते हैं, रेडिएशन मेथड हम कैसे समझते हैं. जैसे हम एक बाउंड्री से घिरे हुए हैं, या सपोज फॉर एक एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, हम एक रूम के अंदर हैं. अब इस रूम का हमको प्लेन टेबल के थ्रू हमको सर्वे करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे. अगर हम रूम में ना हो, अगर हम कहीं बाहर कोई एग्रीकल्चर फील्ड में हो या बाहर ग्राउंड में हो, तो हम उसका कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमको सारे पॉइंट्स अवेलेबल है ना, सारे पॉइंट्स हम देख सकते हैं. जैसे हम रूम में हैं तो हमें चार कोने देखना है ना, तो जब हम चार कोनों की बात करेंगे तो हम बीच का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमको चारों पॉइंट्स अवेलेबल हो. ऐसे ही अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड में भी हम ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि हमको पूरा ग्राउंड कवर हो रहा हो. तो हम अपनी प्लेन टेबल वहाँ पे सेटअप करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हमको एक वो डिस्टेंस पता है कि हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्केल चूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले इसके अकॉर्डिंग है ना, अपना रेडिएशन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चार पॉइंट्स सपोज हम रूम की बात कर रहे हैं. अब रूम में हमने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, ए पॉइंट पे गए एक कोना, बी पॉइंट दूसरा कोना, सी पॉइंट तीसरा, और डी पॉइंट चौथा कोना. तो ये चार पॉइंट के हमको डिस्टेंस मेजर करना है. तो हम सबसे पहले ए पॉइंट पे रेंजिंग रॉड रखेंगे. ठीक है, रेंजिंग रॉड रख के जो हमारा पॉइंट है ए पॉइंट, जो हमारा पी पॉइंट होगा कहाँ पे, टेबल पे है ना, टेबल पे जहाँ पे हमने सेंटरिंग करी है, तो वहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा जहाँ से हमको अपना डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो पॉइंट से हम अपनी एलिडेट को अलाइन करेंगे ए पॉइंट पे है ना. एलिडेट को अलाइन करने के बाद हम एक रे खींच देंगे ए पॉइंट से. सिमिलरली हम बी पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट से जैसे ये ए पॉइंट था, हम फिर ये बी पॉइंट पे गए, यही पॉइंट से है ना, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हमने अलाइन किया बी पॉइंट को. पी पॉइंट और बी पॉइंट जब अलाइन हो जाएंगे तो हम एक रे खींच देंगे. सिमिलरली सी पॉइंट, सिमिलरली डी पॉइंट है ना. अब ए बी सी डी, तो हम रूम की बात करेंगे, ग्राउंड में हो सकता है ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएं, तो जितने भी पॉइंट होंगे हम सबकी रे खींच देंगे, और पी पॉइंट से ए पॉइंट, पी पॉइंट से बी पॉइंट, पी पॉइंट से सी पॉइंट, पी पॉइंट से डी पॉइंट, और जितने भी हमारे एक्स वाई जेड जितने भी पॉइंट्स हम लेते जाएंगे उन सबका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे. ठीक है, रे हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, हमने स्केल के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके एक रे मार्क कर देंगे और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा सरफेस जो भी हमको सर्वे करना होगा वो हम प्लॉट अपने उस पेपर में प्लॉट कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेडिएशन मेथड. दूसरा आता है इंटरसेक्शन मेथड. अब इंटरसेक्शन मेथड में आप इसको ऐसा समझिए कि इंटरसेक्शन मेथड में क्या होता है कि हम एक पॉइंट पे खड़े होके पूरा सर्वे नहीं कर सकते है ना. अगर हम एक पॉइंट पे सर्वे कर सकते होते तो हम रेडिएशन मेथड पे जाते, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हम एक पॉइंट पे अगर हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो हमको सारी चीज़ें विजिबल हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली विजिबल है. तो हम क्या करेंगे, उसमें दो पॉइंट लेंगे. सपोज़ हमको किसी बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हमको सर्वे करना है, तो वो बिल्डिंग में हम दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे. कैसे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हम सबसे पहले बिल्डिंग की टोटल लेंथ ले लेंगे. सपोज बिल्डिंग 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर लंबी बिल्डिंग है, तो हम अपने
जो शीट है, जो हमारी ड्राइंग शीट है, उस ड्राइंग शीट में हम उसको टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे कि हम बीच के दो पॉइंट ऐसे ले रहे हैं ए और बी, जो 50 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो सपोज़ हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, तो वो 10 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया स्केल में, तो वो स्केल के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने वो लाइन ए और बी हमने पॉइंट करी, तो हम वो पॉइंट ए एंड बी, जैसे इसमें हम देख रहे हैं पी एन क्यू, है ना, तो हम वही चीज़ को हम पी एन क्यू भी बोल सकते हैं, हम ए एन बी भी बोल सकते हैं। तो हमने दो पॉइंट अपने सेलेक्ट किए ड्राइंग शीट पे, ए एन बी या पी एन क्यू बोल सकते हैं। तो पी पॉइंट है ना कहाँ पे है, उसके जस्ट सामने हम, उसके पैरेलल में हम खड़े हो जाएंगे। जैसे ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग 50 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये 50 सेंटीमीटर में हमने ए एन बी लिया, तो ये ए पॉइंट जो है इस ए पॉइंट के जस्ट पैरेलल में, मतलब या परपेंडिकुलर बोल लो आप, इसके परपेंडिकुलर में हम खड़े हो जाएंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट जो हमने ऑलरेडी अपनी जो शीट है उसमें मार्क कर लिया होगा। ए और बी पॉइंट मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे अपना इंस्ट्रूमेंट पूरा सेट करेंगे, सेट करने के बाद नॉर्थिंग ऑर्थिंग सब कुछ करने के बाद जो हम सेटअप करते थे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स हैं हमारे ए बी सी डी पूरी बिल्डिंग में, हमें जो जो मेन पॉइंट्स लेने हैं, है ना, जैसे इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ ए और बी पॉइंट लिया है ना, तो हम अपनी अलाइन करके उसको रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट से हमको रेज मिल गई, हमारे पास रेज आ गई, हम वहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठा के बी पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट में पूरा सेटअप करेंगे, ठीक है, अलाइन करेंगे। इसमें हम अलग से अलाइन नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर हमने एक बार नॉर्थ ले लिया है ए पॉइंट पे, तो हम बी पॉइंट पे या पी क्यू पॉइंट पे जब हम जाएंगे, तो हम फिर से नॉर्थ नहीं लेंगे। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो हम नॉर्थ एक बार ले चुके हैं, उसी नॉर्थ से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को अलाइन करेंगे बी पॉइंट में भी जाके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो जो हमारी जो लाइंस हमने जो रेज खींची है वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ए पॉइंट से जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट पे गए हैं, क्यू पॉइंट पे या बी पॉइंट पे हम बोल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जैसे ही हम गए हैं, तो वहाँ पे हमने अलाइन किया, सब कुछ किया, और फिर हमने जो सेम पॉइंट्स ए बी सी डी जो हमने वहाँ से मेजर किए थे, है ना, जो ए पॉइंट से हमने ए बी सी डी की जो रे खींची थी, उन्हीं पॉइंट्स पे हम फिर से अलाइन करेंगे और रे खींचेंगे। तो क्या होगा कि ये जो रेज ए पॉइंट से थी, है ना, जो रेज ए पॉइंट से गई थी, वो रेज बी पॉइंट से जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। जैसी वो इंटरसेक्ट होगी, वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा उसको हम मार्क कर लेंगे, बाकी सारी रेज मिटा देंगे और उसको प्लॉट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे वाले डायग्राम में एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का बन गया है, तो इसी तरह से हम उसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपको इसमें दिख रहा है ऊपर ए एंड बी लाइन, तो ये लाइन एक बिल्डिंग की लाइन बन गई, क्योंकि इसको हमने एक सीधी बिल्डिंग में लेना था, तो ए और बी बन गई। अब अगर हम उसमें विंडोज़ या डोर्स बनाना होता, तो हम उसमें बी ए बी की जगह सी डी ई एफ जी और पॉइंट्स ले लेते, जितने हमको एक्यूरेटली करना है उतने ज़्यादा हम पॉइंट ले सकते हैं, तो हमारा डायग्राम बन जाएगा। हमारा जो सर्वे है, या बिल्डिंग का सर्वे है, या किसी भी चीज़ का आपको सर्वे करना है, वो सर्वे हम कर सकते हैं। एक्यूरेटली करने के लिए हमें पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रैवर्स मेथड। ट्रैवर्स मेथड में क्या होता है कि हम एक जगह पे खड़े होकर नहीं कर सकते, दो जगह पे खड़े होकर नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब अगर हम ए पॉइंट पे खड़े हैं तो बी पॉइंट दिख रहा है लेकिन सी पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, या हो सकता है ई पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट दिख रहा है, सी और डी नहीं दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम जैसे बी पॉइंट पे गए थे ना, आप देख सकते हैं बी पॉइंट पे जाएंगे, तो बी पॉइंट पे हम जाएंगे तो सी दिख रहा है लेकिन हो सकता है डी ना दिख रहा हो या ई ना दिख रहा हो, तो ऐसे में हमको क्या करना है, हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। हर पॉइंट पे हम ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि हमको मिनिमम दो पॉइंट या तीन पॉइंट्स दिख रहे हो, है ना, दो स्टेशन या तीन स्टेशन हमको देख सकते हो। तो हम ट्रैवर्सिंग में ये करेंगे कि मिनिमम हमको दो, मैक्सिमम हमको तीन पॉइंट तो कम से कम अवेलेबल हो, तो हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, ए पॉइंट पे गए, ए पॉइंट पे हमने सेटअप किया अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट्स, ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट पे एक रे खींचेंगे, और उसके जो सी लास्ट पॉइंट है ई पॉइंट अगर अवेलेबल है तो ई पॉइंट पे खींच देंगे, और नहीं होगा अवेलेबल तो हम चेक करने के लिए जो भी अवेलेबल है उसका हम एक रे खींचेंगे। फिर नेक्स्ट बी पॉइंट पे गए, इसमें भी सेम कि हमारा नॉर्थ है, एक बार हमने सेट कर दिया तो नॉर्थ सेम रहेगा, नॉर्थ चेंज नहीं होगा, नहीं तो हमारा जो सर्वे है वो गड़बड़ हो जाएगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से हमने क्रॉस चेक करने के लिए हमने वापस ए पॉइंट की रे ली और सी पॉइंट की रे ले ली, ठीक है। इसमें हमको डिस्टेंस हर चीज़ का मेजर करना पड़ेगा, ए से बी का, बी से सी का, ताकि हम जो लाइन है, जो रे है, वो हम कट कर सकें, क्योंकि इंटरसेक्ट हो सकता है, हो सकता है ना हो, बट हमको रे डिस्टेंस पता रहेगा तो हम अपने स्केल में कन्वर्ट करके उसको उतने में कट कर देंगे,
ठीक है। तो ऐसे करके हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से वापस ए, या ई से एफ, एफ से ए, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ज़रूरी नहीं है अब जैसे इस डायग्राम में ए बी सी डी ई और फिर से ए पे आ गए अपन, तो हो सकता है कहीं पे ए बी सी डी के बाद ए पे आ जाएँ, किसी पे एफ के बाद ए पे आ जाएँ, जी के बाद ए पे आ जाएँ, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो एरिया है वो कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सर्वे कर सकते हैं। तो ट्रैवर्सिंग बेसिकली हमको जब दो से ज़्यादा पॉइंट्स अवेल दिख नहीं रहे हों, है ना, सारे पॉइंट्स दिख नहीं रहे हों, तो हम ट्रैवर्सिंग पे जाते हैं। अगर सारे पॉइंट्स अवेलेबल है तो हम रेडिएशन पे जाएंगे, अगर कुछ पॉइंट्स दो जगह से हमको सारे पॉइंट्स अवेलेबल है तो हम जाएंगे इंटरसेक्शन पे, और अगर हमको दो मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो, दो जगह से देख लिया हमने, है ना, तीन जगह से देखा हमने कि तीन जगह से अवेलेबल है, तो मतलब हम ट्रैवर्सिंग पे चले जाएंगे। दो, एक पे रेडिएशन, दो पे इंटरसेक्शन, और तीसरा दो से ज़्यादा जगह, अगर हमें दो से ज़्यादा स्टेशन लेना है तो ट्रैवर्सिंग आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन में हमने देखा था एक टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन सॉरी रीसेक्शन, जो लास्ट वाला है हमारा रीसेक्शन, रीसेक्शन में हमने देखा था टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम। तो रीसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट को बना रहे हों, है ना, या सर्वे कर रहे हों तीसरे पॉइंट या चौथे पॉइंट की, तो वो रीसेक्शन मतलब जो सेक्शन है ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग हम कुछ और वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या हो सकता है हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो उस पॉइंट की हम इन्फॉर्मेशन उस सेक्शन में फिर से दे रहे हैं, तो दैट इज़ रीसेक्शन। तो रीसेक्शन दो टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, मतलब हम किसी भी दो पॉइंट को लेके कर सकते हैं, अगर दो पॉइंट को लेके कर रहे हैं जैसे ए और बी, हमने कोई सा पॉइंट लिया है ना, और हमें किसी सी पॉइंट की या डी पॉइंट की या पी पॉइंट की हमको लोकेशन बतानी है ना, जैसे ये हमने एक बना लिया था, है ना, ये यहाँ पे ए और बी पॉइंट यहाँ पे था, अब कोई एक नई इन्फॉर्मेशन हमको मिली, यहाँ पे पी पॉइंट नाम दे दिया, अगर वो पी पॉइंट जो हमने नाम दिया है, अब उस पी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, है ना, इसी ए और बी के अकॉर्डिंग हम उस पी पॉइंट को लोकेट करेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए पॉइंट पे जाएंगे, ए पॉइंट पे सेट करेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट को, सेट करने के बाद पी पॉइंट को लोकेट करेंगे, पी पॉइंट से एक रे खींचेंगे, है ना, फिर बी पॉइंट पे जाएंगे, रे खींचेंगे, वही इंटरसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग इसको हम कर सकते हैं, है ना, या फिर हम इसमें ट्रैवर्सिंग मेथड भी लगा सकते हैं, पहले ए पॉइंट पे गए, ए पॉइंट से फिर पी पॉइंट पे गए, पी पॉइंट से वापस रे खींची, फिर बी पॉइंट पे जाके उसको क्रॉस चेक कर लिया, तो हमको पी पॉइंट मिल जाएगा। तो बेसिकली टू पॉइंट्स प्रॉब्लम में दो पॉइंट के बेसिस पे हम अपना तीसरा पॉइंट जो अननोन पॉइंट है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में भी सेम वही चीज़ है कि अब टू पॉइंट की जगह हमारे पास थ्री पॉइंट्स हैं, तो हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ए पॉइंट से रे खींचेंगे, फिर या फिर हम ऐसा कर लेंगे कि जो पॉइंट पी पॉइंट हमको मिला है उस पी पॉइंट पे जाके हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, सेट करने के बाद हम पी पॉइंट से रे खींचेंगे ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए, जहाँ तीनों इंटरसेक्ट हो जाएगी, है ना, वो पॉइंट को हम एग्जैक्टली बोल देंगे कि वही हमारा पी पॉइंट है, है ना, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट अलाइन करने के बाद पी पॉइंट पे अपना रेंजिंग रॉड रख के हम उसको उससे भी अलाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली टू पॉइंट और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में हमको एक नया स्टेशन या कुछ नई इन्फॉर्मेशन अगर उस एरिया की हमको देना है, अननोन इन्फॉर्मेशन जो हम बोल सकते हैं, वो रीसेक्शन के हिसाब से, मतलब जो चीज़ पहले से हमको अवेलेबल है, जो जितनी भी क्राइटेरिया या जो कुछ भी हमारा उसमें अवेलेबल है, उसके अलावा कुछ नई चीज़ देनी है, तो वो चीज़ में हम टू पॉइंट या थ्री पॉइंट प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।